सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला था अपने ठीक है फैन मेड जर्नी कैसे बना सकते हो, जैसे कि मेरी मेगा जर्नी है। तो गाइस ये वीडियो बनाने का एक मेन रीज़न है, ठीक है गाइस। तो मतलब इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि गाइस देखो, मेरे एक दोस्त है, मतलब उसने मुझे कमेंट करके बताया कि तुमने मेरे थंबनेल में, जो कि उसने भी अभी अभी फैन मेड जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, रीसर पोकेमोन XYZ ऑफिसर, ठीक है, उसका चेक का नाम है। तो उसने मेरे को मतलब बताया कि भाई तुमने ऐसा कैसे लिखा, ठीक है, ऐसा कैसे बना है पोकेमोन अल्ट्रा जर्नी, जो कि उसके मैं गाइस मैं आज को पोकेमोन फैन मेड जर्नी के लोगो बनाना, जो कि तुम्हारा पोकेमोन अल्टीमेट जर्नी या फिर मास्टर जर्नी जो लिखा हुआ है वैसा ही तुम्हारा लिखा हुआ बनेगा। और फिर मैं तुमको थंबनेल का जो टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और मैं तुम सबको मतलब थोड़ा बहुत टिप्स दे दूंगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो गाइस चलो वीडियो को बिगिन करते। तो गाइस हम मैं जो चीज़ें बनाता हूँ पिक्सलैब से ही बनाता हूँ, ठीक है। तो तुमको भी पिक्सलैब को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे तुम्हें देखो ये प्लस वाले आइकन पे जाना है। देखो इधर प्लस वाला आइकन है, इधर इधर पे जाना है तुमको, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी तुमको क्लिक कर देना है, फ्रॉम गैलरी, ओके, और तुम्हारा गैलरी खुल जाएगा, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे गूगल से पोकेमोन मास्टर जर्नी या फिर तुम्हारा अल्ट्रा जर्नी कुछ भी तुमको डाउनलोड कर लेना है, मतलब उसका लोगो होगा, ठीक है, PNG टाइप का लोगो होगा, ठीक है, मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ अभी, रुको, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है, ये रहा देखो गाइस मेरा ये रहा लोगो। तो इसको मैं देखे अनेबल करता हूँ, ये रहा देखो, ये PNG है, ठीक है, ये मास्टर जर्नी का है, तो इसमें लगा देना है, शायद टेंशन मत लो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम आ जाना है, यहाँ पे देखो इस कोने पे ये सब दिखा है, इस कोने पे तुमको आ जाना है, इस यहाँ पे छोटे से कोई बटन है, इस पे दबाना है, ठीक है, थर्ड वाले पे यहाँ पे तुमको नीचे जाना है, ठीक है। पहले तो इसको डिसलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे ड्रॉ वाला ऑप्शन आ जाएगा, ड्रॉ वाले ऑप्शन पे तुमको क्लिक करना है, और तुमको कलर यहाँ पे देखो प्लस वाला आइकन पे पहले तो जाना है, तो यहाँ पे तुमको ये देखो पेंसिल के आइकन के बाजू में ये आइकन है, इस पे जाना है तुमको, ठीक है। और फिर तुमको यहाँ पे देखो इधर बाजू की साइड पे तुमको फोटो दिखेगा, मैं यहाँ पे लैंडस्केप मोड कर रहा हूँ, तुम अगर पोर्ट्रेट मोड पे करोगे तो तुम्हारा ऊपर की साइड आएगा, यहाँ पे मेरा साइड में आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी तुमको देखो इसको जूम करना है, ठीक है, इसको फिर तुमको यहाँ पे देखो ये जो लिखा है इसके बीच में जो कलर है उसको तुमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे तुमको पेन का साइज बढ़ा देना है, ठीक है, और फिर फोटो को पहले तो जूम करना है, ठीक है, फोटो को जूम करना है तुमको, इसको नीचे ले लेना है, फिर ठीक से बैठा देना है, या फिर हमें मास्टर लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, 40 तक का रख देता हूँ, मेरे को खांसी आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं फिर भी ठीक है वीडियो बना देता हूँ। और यहाँ पे तुमको पहले तो कवर कर लेना है, ठीक है, ठीक है, तुमको ध्यान रखना है कि जर्नी जो है वो ना अटके, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो जर्नी लिखा है वो ना अटके, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहने देना है तुमको, उसको छेड़छाड़ नहीं करने का है तुमको, बस यहाँ पे ये इसको छेड़छाड़ करना है, ठीक है, इसको छेड़छाड़ करने का, और फिर इरेजर ले लेना है तुमको, और मतलब तुमको ऐसे पता चलेगा ना कि मतलब कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है। रुको मैं अभी ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, और भाई किधर गया यार ड्रॉ वाला ऑप्शन, ये तो मतलब झंझट है रे, ये क्या हो रहा है, रुको रुको रुको, मैं वापस से फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, रुको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 32 का, ठीक है, और मतलब ये लेंथ तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, अभी तुमको कवर करना है, ठीक है, इसको ठीक से कवर करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले कवर कर लेता हूँ, फिर तुमसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, अभी बात में क्या करना का, ठीक है, तुमको यहाँ पे कवर कर लेना है ठीक से, और फिर तुमको इरेजर का साइज भी मतलब एडजस्टमेंट करके यहाँ पे तुमको इरेजर मार देना है, जगह तुमको लगे कि भाई इधर ऊपर चला गया, ज़्यादा हो गया इधर, तुमको वो कर लेना है, ठीक है, वो मैं भी यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये देखो मैं भी इधर कर ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेरे को लग रहा था कि ये ज़्यादा हो चुका है तो मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा हो चुका था, और फिर मैं यहाँ पे वापस से पेन लूँगा और पेन से थोड़ा सा ठीक से कर दूँगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरा ये हो चुका है परफेक्ट, ठीक है गाइस परफेक्ट हो चुका है ये, देखो तुमको इसको अगर हिलाना चाहो तो हिला सकते हो भाई, हिल क्यों नहीं, अच्छा जूम मोड पे इसको तुम हिला सकते हो,
ठीक है, लेकिन इसको हम परफेक्ट ही रखेंगे, ठीक है। और मैं इन दोनों को भी लॉक कर देता हूँ। अब तुमको लिखना है अपने जर्नी का नेम, जो कि मेरा जर्नी का नेम है मेगा जर्नी। ओके, तो मैं न्यू टेक्स्ट इसको मैंने एड किया है। यहाँ पे देखो पेंसिल आइकन, यहाँ पे अभी कीबोर्ड अपना ओपन होएगा, ठीक है। तो कीबोर्ड लोचा दे रहा है, कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ मेगा जर्नी, तो तुमको पूरा का पूरा कैपिटल में लिखना है मेगा, सिर्फ मेगा लिखना है, ठीक है, मेगा लिखना है। अबे भाई ये क्या हो रहा भाई, तो रुको मैं वापस से लिख देता हूँ मेगा, ठीक है, मेगा। लो भाई मेगा लिख लिया। अबे भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये झंझट क्यों कर रहे भाई। ये लो मेगा, ठीक है। मैं थर्ड बार, अबे भाई सब फोर्थ भी बार भी लिखना पड़ेगा। तो अभी पोर्ट्रेट करके लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लोचा हो रहा है, मैं लिख लेता हूँ मेगा, ठीक है। या फिर रुको मैं मेगा लिख लेता हूँ, या फिर मेगा लिख लेना है तुमको, मतलब तुम्हारे जो भी जर्नी का नेम है वो लिख लेना है यहाँ पे परफेक्ट से। अब मैं वापस से लैंडस्केप कर लेता हूँ मोबाइल को, ठीक है। अब मेरे को कुछ लिखना तो नहीं है, तो अब तुमको इस पर क्लिक है, अब यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे तुमको दिखेगा फॉन्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये फॉन्ट वाला, फॉन्ट पे जाना है, और जो फॉन्ट मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है, जो भी फॉन्ट वो मैं तुमको दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने मतलब फॉन्ट ये वाला लगाया, ठीक है, तो इस वाला फॉन्ट को मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इसको तुमको साइजिंग कर लेना है, और अब तुमको यहाँ पे एक कर्व वाला मिलेगा फॉन्ट के नीचे, इसको कर लेना है। और फिर यहाँ पे तुमको इसको कर्व कर लेना है, ठीक है। तो देखो मैं कर्व कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कर्व कर लिया। और अब तुमको इसको कलर देना है, ठीक है। कलर कैसे दोगे, इस पर क्लिक करना है, कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे जिगना इस पर करना है, इसको क्या बोलते जेड डी नहीं तो क्या कुछ बोलते हैं, ठीक है। इस पर जाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फर्स्ट वाला कलर जो कि लेना है, यहाँ पे तुमको इस रोप वाले आइकन पे जाना है। यहाँ पे अपने को देखो, यहाँ पे ये मास्टर जर्नी वाले पे जाना है, और यहाँ पे देखो इस जर्नी को तुमको लेना है कलर में, ठीक है। देखिए इसके कलर के हिसाब से तुमको इधर तुमको कर लेना है, फिर दूसरे कलर पे भी तुमको ये करना है, इधर कलर पे जाना है, ये ड्रॉप वाले साइन पे मास्टर जर्नी पे, और फिर यहाँ पे नीचे का जो ग्रीन वाला कलर है उसको ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कलर हो जाएगा, फिर तुम्हें नीचे जाना है, और यहाँ पे तुमको स्टॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। स्टॉक को अनेबल कर दो, ठीक है, फिर शेडो को अनेबल करो, ठीक है। शेडो भी तुमको करना होगा अनेबल, और अब शेडो को अनेबल करने के बाद ब्लर को कर दो ज़ीरो, एंड कलर को तुमको चूज़ करना है, जो कि वापस हम फोटो पे लेंगे और जूम करेंगे, और हम तुम पिंक वाला भी ले सकते हो, ठीक है, और ऊपर वाला भी ले सकते हो। और तुमको एक्सपोजर को थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक है, एक दो दो मैंने बाहर निकाला, और फिर मैंने निकाला तीन ये बाहर, ठीक है, ऐसे हो चुका। अब इसको तुमको अनेबल कर लेना है, और फिर इनर शेडो पे जाना है, और ये इनर शेडो को अनेबल करना है, और यहाँ पे तुमको इनर शेडो को थोड़ा वाइट देना है, ठीक है, और वाइट के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू देना है, थोड़ा ऐसा कलर बनाना है। और यहाँ पे इसको इनर शेडो को थोड़ा सा बार और वाई एन दोनों को वन वन कर देना है, थोड़ा ब्लर कर देना है, जिसकी मदद से कि भाई तुम्हारा ये लोगो, ठीक है, पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो तुम। और अभी एक चीज़ बाकी है, जो कि ये वाला जो ऐसा मेरे को ट्रायंगल जैसा दिख रहा है उसको तुमको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है, ये ए और ये सब लिखा है ना, ऐसे थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे देखो शेप्स पे जाना है तुमको, शेप्स। और अब इधर शेप्स पे तुमको सिलेक्ट करना है अपना ट्रायंगल शेप, ओके, और ट्रायंगल शेप को तुमने, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा कर लेना है। अब इस पर तुमको देना है कलर, ओके, कलर पे तुम दोगे जिगजैग कलर, फर्स्ट वाले पर तुम रखोगे रेड, ठीक है, रेड रखोगे फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले को तुम भी रेड ही रखोगे, ठीक है। फर्स्ट वाले का तुमको थोड़ा सा मतलब वो लाइट कलर देना है, और लाइट कलर दोगे, फिर यहाँ पे देखो फिर तुम दोनों को यहाँ पे तुमको कैसे टच करवा देना है। अब तुमको यहाँ पे देखो ऐसे कर देना है, ठीक है, ऐसे मैं कर रहा हूँ, वैसे तुमको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा वापस से,
ठीक है, तो देखो ये सेट नहीं हुआ, मेरे को फिर से करना पड़ेगा थोड़ा सा यूं, ये वो थोड़ा सा बाहर चला गया, इसको मैं लेता हूँ यूं, ये परफेक्ट तो नहीं है थोड़ा सा, मैं ठीक है इसको कर लेता हूँ, ये परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब इसको देना है तुमको स्टॉक, ठीक है स्टॉक तुमको देना है, इसको हम वाइट स्टॉक दे देते ठीक है। और अब तुमको इसको रोटेट करके तुम्हें ऐसे कोई भी, ठीक है ऐसे कोई भी तुमको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे जी के ऊपर, ठीक है जो कि मैंने मतलब बनाया हुआ है, मेरे पास पड़ा भी है भाई मेरे, ठीक है जर्नी का लोगो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लो, ठीक है मैंने यहाँ पे लगा दिया है, परफेक्ट कर दिया, ये देखो ऐसे हो चुका है और ये अब तुम्हारा लोगो बन चुका है। अब तुमको जाना है यहाँ पे सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखो एक कलर के बाजू में ट्रांसपेरेंट है, इसको क्लिक करके तुमको यहाँ पे फोटो को सेव कर लेना है। ठीक है, तो गाइज ये हो चुका है तुम्हारा लोगो बनाने का स्टाइल। अब मैं तुमको थंबनेल सिखाऊंगा क्योंकि ये थंबनेल में यूज़ होगा। तो ठीक है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, ठीक है तो मैं अभी प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, मेरे पास थंबनेल का प्रोजेक्ट है जो कि मैं तुम सबको दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जो देखना है वही देखो, ठीक है बाकी सारे में नज़र मत घुमाओ। तो ये मेरे अगले एपिसोड का जो कि थंबनेल होने वाला है, तो ये को देखो, ये थंबनेल का मैं तुमको प्रीसेट दे दूंगा, ठीक। और तुम प्रीसेट को अपने पिक्सेल ऐप में कैसे ओपन कर सकते हो वो सारे वीडियोस मैंने बना के रखे, तुमको देख लेना है ठीक है। और इसका मैं तुमको प्रीसेट दूंगा, तुम्हें बस अपने यहाँ पे तुम्हें चेंज करना है एपिसोड नंबर, यहाँ पे जो फोटो होगा वो, एंड अपने ये चर्नी का लोगो जो कि मैंने अभी तुमको बनाने को सिखाया हो। फिर तुमको मतलब एडिटिंग करो तो मतलब फोटोज़ भी तुम ऐसे स्टोरी पहले, ठीक है पहले स्टोरी बना लो, ठीक है स्क्रिप्ट नहीं स्टोरी बना लो, ठीक है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, जो कि मेरा अभी हाल ही का एपिसोड आया था सरीना वाला, तो मैंने सोचा कि सरीना को रिटर्न लाते, तो मैंने पहले थंबनेल बना दिया सरीना वाला। ठीक है, तो ये मेरा थंबनेल है। ठीक है गाइस, तो फिर तुम अपनी जर्नी को ऐसे बना सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हो, और बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि वो तो पोके डॉन टू हो गया, उस कैसे जर्नी है फाइनल जर्नी, और अपना पोके फैन बॉय हो गया, पोके फैन फाइटी हो गया, जिसका भी मतलब मेस्टर जर्नी है, उसने नेम नहीं चेंज किया, और मेरा जर्नी मेगा जर्नी, ठीक है। और अपने सिद्धार्थ ब्रो का भी जर्नी है, ठीक है जो कि मतलब मिथिकल जर्नी है, थंडर सिम भी मतलब जर्नी अपलोड किया करता था, ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है तो अभी बंद कर दिया है उसने, ठीक है यूट्यूब मतलब उसने क्वाइट जैसे कर दिया, लेकिन मुझे को पता नहीं क्वाइट किया नहीं है। ठीक है, वो सब तुम छोड़ो और अब देखो गाइस, तो ये थंबनेल का मैं तुमको प्रेजेंट लिख दूंगा, वो तुम थंबनेल बना सकते हो। देखो कैसे तुम बनाओगे वो मैं तुमको डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है तुमको, यहाँ पे देखो ये इसके बाजू में यहाँ पे जाना है, ठीक है यहाँ पे लास्ट में फोटो होगा, इसको कर देना है डिलीट, ठीक है डिलीट कर दिया। अब देखो ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है, फ्रॉम गैलरी, ठीक है फ्रॉम गैलरी जाना है तुम्हें, ठीक है मैं अब फिर तुमको अपने एपिसोड के हिसाब से फ़ोटो लेने हैं। देखो मेरे को मतलब ये मेरे को तुमको डेमो के लिए ले लेता हूँ, ठीक है फिर इसको तुमको बड़ा करना है, ठीक है बड़ा करना है, जैसे तुमने पूरा ढक जाए वैसे बड़ा कर देना। और फिर यहाँ पे टू बैक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देखो थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो इधर 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 एरो कर दूंगा, ठीक है और फिर यहाँ पे टू बैक वाला ऑप्शन पे जाके इसको बैक कर देना है ठीक से, फिर यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और फिर तुमको एपिसोड क्रमांक चेंज करना है, लेयर पे वापस जाओ और यहाँ पे देखो ये रहा पेंसिल आइकन पे जाओ, या भाई ये बाबू से पेंसिल वाला आइकन पे जाओ, इसको फिर चेंज करो, ठीक है टाइपिंग में थोड़ा सा वो है, और यहाँ पे फिर लिख दो जो भी लिखना है तुमको, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ तो 10, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं थी, ठीक है बहुत लंबा वीडियो भी हो चुका है। तो गाइस तुम ऐसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसे लोगो बना सकते हो, ठीक है और इसी बहाने तुमने थंबनेल पे किया, तो मतलब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइस ऐसे ये वीडियोज के लिए तुम देखते रह सकते हो, और अगर तुमको थंबनेल बनाना जमता नहीं है तो मेरे को बोल सकते हो, मैं तुमको थंबनेल बना के दूंगा बिल्कुल ही फ्री, और ठीक है तब तक के लिए बाय। और मुझे अच्छा लगा कि तुम भी एक मेरी तरह जर्नी स्टार्ट करो अपने चैनल पे, तो गाइस जरूर से करना, ठीक है और मुझे बताना, ठीक है कमेंट करके, मैं हर एक कमेंट पढ़ता भी हूँ रिप्लाई भी करता हूँ, तो तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।